हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, तरुण हियर एंड यू आर वाचिंग माय मर्डर। गाइज, IPPB राइट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो गाइज, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको हम लोग शॉर्टकट में IPPB बोलते हैं, इस बैंक काफी अच्छा सर्विस देता है। आफ्टर ऑल मेरा भी इस बैंक पर अकाउंट है। तो गाइज, कुछ दिन पहले ये न्यूज निकल गया था कि IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से लॉन्च होने के लिए जा रहा है एक डेबिट कार्ड, जो कि अभी फिलहाल आप लोगों को मिल रहा है एक प्लास्टिक का QR कार्ड, लेकिन वो बदलने वाला है डेबिट कार्ड के रूप में और डेबिट कार्ड बहुत ही जल्दी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की स्थिति में कैसे मिलेगा मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो सहमति पत्र जरूर जता दीजिएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स पर। और गाइज, आज का वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका डेबिट कार्ड अप्रूवल हो जाता है या फिर डेबिट कार्ड के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस किस प्रकार से होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हटके होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो स्टार्टिंग में ये बता दिया क्या करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, मेरा नाम है तरुण राज, आप लोग देख रहे हैं माय मर्डर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो है आप लोगों को IPPB मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से एक बार अपडेट कर लेना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद उसी एप्लीकेशन को आप लोग जो है ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है किस प्रकार से ओपन होता है, अपना MPIN को एंटर करके इस एप्लीकेशन को आप लोग खोलते हैं। अगर आप में से किसी लोगों को पता नहीं है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसका ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए हरदम रेडी रहता हूँ। तो चलिए गाइज, या फिर मैं एंटर कर देता हूँ मेरा MPIN, उसके बाद मेरा अकाउंट पर सक्सेसफुली मैं कर लिया हूँ लॉगिन। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप सबको पता ही है किधर पर क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन निकल के आता है। इस जगह पर आप लोगों को मैं बता दूँ, बहुत सारा ऑप्शन है फ्रंट पर ही आप लोगों को कार्ड नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्ड वाला सेक्शन पर करता हूँ क्लिक। कार्ड वाला सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड, यानी ये डेबिट कार्ड वर्चुअल के रूप पर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन ये अपडेट जरूर सामने आया है कि ये वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला सिस्टम बहुत ही जल्दी लागू होने वाला है। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड सिस्टम लागू हो जाने के बाद हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को हम लोग UPI के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब फ़ोनपे गूगल पे बढ़िया आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार कार्ड पर क्लिक करके वर्चुअल डेबिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते बस ये दिखाई दे रहा है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड सर्विस आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली, यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड सर्विस बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए ये उपलब्ध या फिर एप्लीकेशन करने का प्रोसेस नहीं है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर जितना भी हो थोड़ा बहुत नॉलेज था लोगों के अंदर आ ही गया। इस पर करने वाला वीडियो मिलने के लिए हमारे चैनल के साथ रेगुलरली बन रही है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता ही है। फिलहाल वीडियो पर इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे किसी एपिसोड एंड दूसरे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।